बॉलीवुड के अगर खतरनाक खलनायकों की बात की जाएगी तो सबसे पहले नाम अमरीश पुरी का ही आएगा। इन्होंने अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान जो यादगार पल नेगेटिव रोल के जरिए निभाए हैं वो आज भी तरोताजा है। आज भले ही वो हमारे बीच में नहीं है लेकिन उनकी किए गई फिल्मों में उनकी बेहतरीन अदाकारी आज भी लोगों के जहन में बैठी हुई है। वो अपने किरदार में इस तरह डूब जाते थे कि वो किरदार अमर हो जाता था, चाहे 80 का दौर हो या चाहे 90 का, चाहे सन 2000 का। इन सब के दौरान अगर खलनायकों की बात की जाती थी तो सबसे पहले नाम अमरीश पुरी का ही आता था। इन्होंने जब जब बड़े पर्दे पर अपने खलनायकी वाले किरदार को निभाया तब तब हीरो की भी छुट्टी होने लगी। अपने भारी आवाज के चलते ये बड़े बड़े सितारों को चकित कर देते थे, तभी तो उस दौरान अमरीश पुरी की बहुत ज्यादा डिमांड भी हुआ करती थी। लेकिन आज अमरीश पुरी की हम बात नहीं करने वाले हैं, उनके बच्चों के बारे में हम बात करने वाले हैं। यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि अमरीश पुरी की एक बेटी भी है जो दिखने में किसी खूबसूरत अदाकारा से कम नहीं है, लेकिन वो फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुकात नहीं रखती है। अमरीश पुरी की बेटी का नाम है नम्रता पुरी और वो खुद को बॉलीवुड की फिल्म दुनिया से काफी दूर रखती हैं। लेकिन यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि कुछ समय पहले उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हुई थी जिनको खूब पसंद भी किया जा रहा था, क्योंकि अमरीश पुरी की बेटी देखने में बेहद खूबसूरत थी। अब पिता अमरीश पुरी ने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में बहुत नाम कमाया। वह जब 40 साल के थे तब उन्होंने फिल्मी दुनिया में अपना कदम रखा था। इससे पहले वो LIC एजेंट का काम कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपना कदम रखा तो इन्होंने अपनी बेहतरीन एक्टिंग स्किल से सभी लोगों का दिल जीत लिया। वहीं दूसरी ओर अगर उनकी बेटी नम्रता पुरी की बात करें तो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से उन्होंने कोई भी ताल्लुकात नहीं रखा है। वो एक बड़ी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, फिलहाल वो अपने काम में व्यस्त रहती है। यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि उनकी शादी एक बड़े बिजनेसमैन से हुई है। अमरीश पुरी की बेटी के इंस्टाग्राम पर अगर आप नजर डालेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ एक से बढ़कर एक डिजाइनर कपड़ों की तस्वीरें आपको देखने को मिली जाएगी, साथ ही नम्रता की कड़ी मेहनत भी आपको साफ तौर पर नजर आएगी। तो दोस्तों इस तरह आप भी समझ सकते हैं कि पिता अमरीश पुरी ने जहाँ इतना बड़ा नाम कमाया, वहीं दूसरी ओर उनकी बेटी नम्रता पुरी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से भले ही दूर है लेकिन उनकी खूबसूरती के आगे बड़ी सी बड़ी हीरोइनें फीकी नजर आती हैं। अब बेटी की बात तो कर ली है, अगर बेटे की तरफ नजर डालें तो अमरीश पुरी के बेटे का नाम है राजीव पुरी, लेकिन ये भी कुछ खास कमाल फिल्म इंडस्ट्री में नहीं कर पाए। लेकिन अमरीश पुरी के पोते वर्धन पुरी ने साल 2019 में बॉलीवुड जगत में एंट्री ली थी। फिल्म ये साली आशिकी के जरिए उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। हालांकि वर्धन पुरी ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि वो अपने दादा की जिंदगी पर बायोपिक फिल्म बनाना चाहेंगे। उन्होंने स्पोर्ट बॉय से बातचीत में अपना प्लान बताया था। वर्धन एक एक्टर होने के साथ साथ एक अच्छे लेखक भी हैं। उन्होंने अपने डेब्यू फिल्म के को राइट भी किया था। उन्होंने बताया था कि एक वक्त ऐसी भी खबरें आई थी कि अनुराग बसु और रणबीर कपूर मिलकर मेरे दादा का बायोपिक फिल्म बनाना चाहते हैं। मैंने भी इस बारे में सुना था लेकिन मुझे इस बारे में कुछ खास पता नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ऐसा होता है तो एक दिन मुझे इस बारे में कॉल जरूर आती। हालांकि इसी दौरान वर्धन पुरी ने इस बात का भी जिक्र किया था कि मेरे जहन में ऐसी फिल्म लिखने के बारे में एक कमाल का आइडिया है और मैं इस बारे में अपने परिवार से भी बातचीत कर रहा हूँ। वो इसे लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। मैं एक बायोपिक फिल्म बनाना चाहता हूँ उस जोश और लीजेंड के बारे में जो अमरीश पुरी एक वक्त थे। तो दोस्तों इस तरह आप भी समझ सकते हैं कि अमरीश पुरी की क्या शख्सियत थी। साल 2005 में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था, लेकिन इंडस्ट्री में रहते हुए उन्होंने करीब 400 से ज्यादा फिल्में की हैं। उन्होंने न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में वो नाम कमाया जिसके लिए कोई भी एक्टर तरसता है।